हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं के जनधन खातों में भेजी गई राशि को लेकर सरकार ने जो बात कही है वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपये भेजने के लिए सरकार ने ऐलान किया था और फिर बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसे भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इसी को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ बातें कही हैं, वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, जिन लोगों के खाते में पैसे आ चुके हैं वो लोग परेशान है कि अगर हम ये पैसा नहीं निकालेंगे तो हमारा पैसा वापस चला जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं पूरी सच्चाई क्या है। तो फ्रेंड, इसका मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20.5 करोड़ रुपए महिला जनधन खाते धारकों के खाते में अगले 3 माह तक हर माह 500-500 रुपए भेजने की घोषणा पिछले महीने की थी। तो फ्रेंड, ये जो राशि भेजा जा रहा है वो लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसके लिए फ्रेंड, और 500-500 रुपए जनधन अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट के द्वारा जो 500 रुपए भेजे गए हैं बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में आ गए हैं। तो फ्रेंड, वो लोग परेशान है कि उस पैसे को हम निकाल लें जल्द से जल्द। तो फ्रेंड, वो लोग अपने बैंक या ब्रांच पे जाकर के खूब लंबी लाइन लगा ले रहे हैं, वहां पे बहुत सारा भीड़ हो जा रहा है। तो बैंक वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे और नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड, ये जो अफवाह है वो शहर में कम होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं। झूठ में मतलब कोई कह देता है कि वो पैसा फिर से वापस चला जाएगा अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर वो लोग परेशान हो जाती हैं और उस पैसे को निकालने के लिए वो परेशान हो जाती हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो बैंक अकाउंट में जाकर के पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो उसके चक्कर में जा रहे हैं कि हमारा पैसा वापस न चला जाए। उनके पास पैसे हैं फिर भी वो अपने बैंक में जा करके और 500 रुपए निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड, इस अफवाह को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि महिलाओं के जनधन खाता में भेजे गए पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई भी खाताधारक इसे अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसी भी समय निकालिए। बहुत सारे लोग इस अफवाह में पड़े हुए हैं कि अगर इस समय आप इस जो अप्रैल में पैसा आया है अगर इसमें नहीं निकालेंगे, इस महीने में अगर नहीं निकालेंगे तो अगले महीने में पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जरूरत के हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हैं कभी भी। अगर आपको इस समय जरूरत नहीं है, आपके घर पे पैसे हैं, तो आप बैंक पे मत जाइए, वहां पे भीड़ मत लगाइए, पैसे मत निकालिए, आपका अगला वाला जो इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो भी आ जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्वीट भी आया है यहाँ पे ट्विटर पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे लिखा है कि आपका पैसा सुरक्षित है और आपका पैसा फिर से वापस नहीं होगा। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन अफवाहों में मत पड़िए। फ्रेंड, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको ये बताइए कि उनका पैसा वापस नहीं होगा, अगर उनको जरूरत है तभी बैंक पे जाएं, अन्यथा वो घर पे ही रहें। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।